हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? 25वें, 75वें, 155वें, 175वें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75वें। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुनिधि चौहान, AR रहमान, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AR रहमान। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा गाइस। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? दिल्ली विधानमंडल, दुबई विधानमंडल, पुणे विधानमंडल, न्यूयॉर्क विधानमंडल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, जापान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोची में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। हाल ही में किस से संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा, स्त्रविन कुमार, कर्टनरेट्री, एंटोनियो गुटरेस। तो सही आंसर हो जाएगा रबाब फातिमा, रबाब फातिमा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? हांगकांग, वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस क्या है। किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। 10वां क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। गाइस, अगला क्वेश्चन। किस देश ने जानवरों के लिए COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून, 14 जून। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया जाता है, ऑप्शन डी 14 जून। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उपरोक्त कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? इराक, रूस, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। पंद्रहवा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तुबा हसन, एंजेलो मैथ्यूज, उपयुक्त दोनों सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? नेपाल, कनाडा, श्रीलंका, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? चीन, ब्राजील, बेल्जियम, उपरोक्त कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून 2022 को आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इंडोनेशिया, बी है ईरान, सी है स्पेन, डी है मलेशिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पेन। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को मंजूरी दी है? वीर जवान, कर्मयोद्धा, अजय युवा, अग्निपथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्निपथ। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस ड्रोन कंपनी को पहला टाइप सर्टिफिकेट दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईओटेक, वर्ल्ड एविगनेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे। 27वां क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दिल्ली सरकार, मुंबई सरकार, पुणे सरकार, चेन्नई सरकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार।
अट्ठाईसवां क्वेश्चन, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कितने किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 45 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 75 किलोग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 59.30 मीटर, 69.30 मीटर, 79.30 मीटर, 89.30 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 89.30 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत द्वारा ओडिशा में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी सेकंड का। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 37वां, 39वां, 41वां, 43वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37वां। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने मिलकर चार राष्ट्रों का एक समूह बनाया है, उस समूह का नाम क्या है? तो उस समूह का नाम है I2U2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरुस्थली और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 17 जून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 14वें विक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पेंचिंग, नई दिल्ली, ब्रसीलिया, जोहान्सबर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा पेंचिंग, ऑप्शन ए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है? राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग, राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय मानक ब्यूरो, ओके। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मॉस्को, बीजिंग, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? रूस, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। सी, ऑप्शन सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, अब राजस्थान में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रहों के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा? परसा कोल ब्लॉक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भपंग, खड़ताल, डेरू, सारंगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ताल, ओके। 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मार्च 2023, दिसंबर 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2023। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 2023। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने MIU वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। MIU का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समानता किस जिले में शुरू किया गया था जिसे अब पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है? टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बूंदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ओके अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणखार जालौर। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से खेलों और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन की श्रेणी में राजस्थान के किस जिलों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चूरू। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, कौन सी कंपनी हाल ही में अप्रैल 2022 में पंजीकरण रिजर्व बैंक विनियम 2022 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र COR प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिनटेक नेतृत्व वाली NBFC बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 121 फाइनेंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।